ईरानी सरकार ने अमेरिका से उस घातक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच में सहायता करने का अनुरोध किया है, जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, उनके विदेश मंत्री और 6 अन्य लोग मारे गए थे। लेकिन एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक के अनुसार वॉशिंगटन सामरिक कारणों के कारण बड़े पैमाने पर तेहरान की सहायता नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी रईसी, उनके विदेश मंत्री और 6 अन्य लोग सोमवार को कोहरे में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ घंटों बाद मृत पाए गए। 2 प्रमुख नेताओं की मृत्यु के कारण मध्य पूर्व में असाधारण तनाव व्याप्त है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जब ईरानी सरकार ने अमेरिका से सहायता मांगी तो उसने स्पष्ट कर दिया कि वह सहायता देने के लिए तैयार है, जैसा कि वह इस प्रकार के किसी विदेशी सरकार के अनुरोध के जवाब में करेगा, स्थिति के अनुसार, लेकिन कोई सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं था। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, मैं विवरण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ईरानी सरकार ने हमसे सहायता मांगी थी। हमने कहा कि हम सहायता करने के इच्छुक होंगे। ये कुछ ऐसा है जो हम इस स्थिति में किसी भी सरकार के संबंध में करेंगे। अंततः बड़े पैमाने पर तार्किक कारणों से हम वह सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रईसी के लिए आधिकारिक संवेदना व्यक्त करने और मौन के क्षण में भाग लेने पर एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका बिल्कुल स्पष्ट था कि रईसी लगभग 4 दशकों तक ईरानी लोगों के दमन में एक क्रूर भागीदारी थे। हालांकि वॉशिंगटन ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना जैसी घटना में किसी भी जान के नुकसान पर खेद व्यक्त किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने आगे कहा, हमें जीवन के किसी भी नुकसान का अफसोस है। हम हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन इससे एक न्यायाधीश और ईरान के राष्ट्रपति के रूप में उनके रिकॉर्ड की वास्तविकता और ये तथ्य नहीं बदला जाता कि उनके हाथ खून से नहीं रंगे हैं। उन्होंने कहा, ईरान के प्रति हमारा मौलिक दृष्टिकोण न बदला है और न ही बदलेगा। हम ईरान के लोगों का समर्थन करना, उनके मानव अधिकारों, एक खुले मुक्त समाज और लोकतांत्रिक भागीदारी की उनकी आशंकाओं की रक्षा करना जारी रखेंगे।